नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के रोजाना ताज़ा मौसम के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कौन से जिले में आने वाले 12 घंटे या 48 घंटों के अंदर कौन से जिले में वर्षा हो सकती है। और साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि कौन से जिले में आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर ओलावृष्टि हो सकती है। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताएंगे आने वाले 2 या 3 दिन कौन से जिले में ठंडी हवाएं या तेज सर्दी पड़ सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल बनता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बाराबंकी और बरेली ज़िले की। दोस्तों आपको बता दें कि बाराबंकी और बरेली ज़िले में यहाँ पर भी मौसम विभाग की तरफ से ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है कि दोनों जगह पर एक बार फिर से आई अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों जगह पर एक बार फिर से सर्दी बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दोनों जगहों पर कुछ इलाकों में आपको हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि बाराबंकी के कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर सुबह के 4 से 5 बजे के बीच घना कोहरा मंडराए रहेगा, यानी घनी धुंध छाई रहेगी और लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बाराबंकी के कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर दिन के समय में कुछ जगहों पर आपको हल्की फुल्की घने कोहरा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बरेली के कुछ इलाकों में भी आपको सुबह और शाम के समय में घना कोहरा देखने को मिल सकता है, यानी घनी धुंध छाई रहेगी और लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बरेली के कुछ इलाकों में आपको 2 या 3 दिन के अंदर कुछ इलाकों में छिटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुबह के 4 से 5 बजे के बीच यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिजनौर जिला की। दोस्तों आपको बता दें कि बिजनौर जिले में हालांकि आपको बता दें कि इस समय लोगों को हल्की फुल्की सर्दी से राहत मिली है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भी आने वाले 72 घंटों के अंदर एक बार फिर से सर्दी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसी की वजह से यहाँ पर आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर एक बार फिर से सर्दी बढ़ सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और बूंदाबांदी के साथ एक बार फिर से यहाँ के कुछ इलाकों में सर्दी तेज हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बदायूं ज़िले की। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के अंदर कुछ इलाकों में छिटपुट वर्षा हो सकती है। और छिटपुट वर्षा की वजह से सुबह और शाम के समय में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिन के समय में अच्छी खासी धूप निकलेगी और लोगों को दिन में थोड़ी बहुत सर्दी से राहत मिलेगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि शाम होते होते एक बार फिर से सर्दी बढ़ जाएगी और आपको बता दें कि रात के समय में कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में घनी धुंध छाई रहेगी और लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बुलंदशहर की। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर लोगों को सर्दी से थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के कुछ इलाकों में आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर थोड़ी बहुत अच्छी खासी कुछ इलाकों में सर्दी कम हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इस समय बुलंदशहर के कुछ इलाकों में इस समय कुछ अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह और शाम के समय में घना कोहरा यानी धुंध छाई हुई, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर लोगों को हल्की फुल्की कुछ इलाकों में सर्दी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं जहां पर इस समय घने कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और लोगों को अच्छी खासी कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं चंदौली व चित्रकूट जिला की। दोस्तों आपको बता दें कि चंदौली जिले की बात करें तो यहाँ पर इस समय
आपको बता दें कि आने वाले 12 घंटों के अंदर कुछ इलाकों में हल्की फुल्की तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तेज बारिश के साथ कुछ इलाकों में हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहने वाले हैं जहां पर आपको बता दें कि दिन के समय में घने बादल मंडराए रहेंगे और आपको बता दें कि लेकिन वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि चंदौली के कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर सुबह और शाम के समय में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि खास करके कि सुबह के 7 से 8 बजे के बीच में घनी धुंध छाई रहेगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दिन के समय में अच्छी खासी धूप निकलेगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहने वाले हैं जहां पर सुबह के शाम के 4 से 5 बजे के बीच में शीतल लहर चल सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि चित्रकूट जिले की बात करें तो यहां पर भी इस समय मौसम विभाग की तरफ से ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है। यहां पर भी कुछ इलाकों में आपको हल्की फुल्की तेज हवाएं चल सकती हैं और इसके साथ आपको सुबह और शाम के समय में शीतल लहर चल सकती है और लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि चित्रकूट के कुछ इलाकों में रात के समय में एक बार फिर से सर्दी बढ़ जाएगी और आपको बता दें कि दिन में अच्छी खासी आपको बता दें 12 बजे के बाद अच्छी खासी धूप निकलेगी, लेकिन दोस्तों शाम के 4 से 5 बजे के बीच धीरे धीरे एक बार फिर से सर्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं देवरिया और एटा ज़िले की। दोस्तों आपको बता दें कि देवरिया और एटा ज़िले में भी इस समय आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर यहां पर भी सर्दी बढ़ सकती है। दोस्तों आपको बता दें हालांकि यहां पर भी अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है और लोगों को अच्छी खासी कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें देवरिया और एटा ज़िले में आपको बता दें आज शाम के 4 से 5 बजे के बीच में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की आपको बता दें कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं और कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ इलाकों में एक बार फिर से सर्दी बढ़ जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि देवरिया के कुछ इलाके ऐसे भी रहने वाले हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में आपको हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आपको बता दें यहां पर भी कुछ इलाकों में अच्छी खासी शाम के 4 से 5 बजे के बीच में आपको कुछ इलाकों में हल्की फुल्की शीतल लहर चल सकती है और लोगों को ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि एटा ज़िले के कुछ इलाकों में आपको बता दें इस समय हल्की फुल्की आपको बता दें ओलावृष्टि भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आने वाले 2 या 3 दिन आपको बता दें सर्द हवाएं चल सकती हैं और रात के समय में आकाश करके आपको बता दें बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि एटा के कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर दिन के समय में घने बादल मंडराए रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फैजंदाबाद और फतेहगढ़ ज़िला की। दोस्तों आपको बता दें कि फैजंदाबाद और फतेहगढ़ ज़िले में भी इस समय आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर भी आने वाले 12 घंटों के अंदर कुछ इलाकों में हल्की फुल्की ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि फैजंदाबाद के कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर हल्की फुल्की ओलावृष्टि के साथ तेज़ बारिश हो सकती है और आपको बता दें कि इसी के साथ एक बार फिर से यहाँ पर भी सर्दी तेज़ हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर दिन के समय में भी कुछ इलाकों में घने बादल मंडराए रहेंगी, लेकिन वर्षा उतनी नहीं होगी। हालांकि आपको बता दें कि छिटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि शाम के 4 से 5 बजे के बीच में शीतल लहर यानी ठंडी हवाएं चल सकती हैं और लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि फतेहगढ़ फरुखाबाद में इस समय कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको बता दें कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन वो आपको बता दें कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर लोगों को सर्दी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाकों में एक बार फिर से सर्दी कम हो जाएगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिन के समय में आपको बता दें कि अच्छी खासी धूप निकलेगी और धीरे धीरे कुछ इलाकों में सर्दी कम होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले की रोजाना ताज़ा मौसम की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।